नेशनल सेक्रेटरी है AICC के, और जैसे उपेंद्र जी ने सबका इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें सीनियर हमारे साथी भी हैं और यूनिफॉर्म नेशनल ऑफिस वेयरर्स भी हैं और मीडिया के साथी। आज एक सही टाइम है और सही विषय लेकर, जिसके लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के नौजवान रोजगार के मारे धक्के खा रहे हैं, और इसके बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, न किसी सरकार की नाकस पॉलिसियां, वादे कुछ और इंप्लीमेंटेशन कुछ। आज सबसे ज्यादा अगर सफर है ये नौजवान देश कहलाया जाता है। 65% इस देश में युवाओं की आबादी, और सबसे ज्यादा पिछले 40-45 साल से अगर बेरोजगारी का दर बड़ा है वो इन 5-6 सालों में आज के सामने आपके सामने। ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन बनाए अपोजिशन हम कुछ भी कहें, ये देश के तमाम वो सारे अर्थशास्त्र, तमाम वो सारे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, ये उन सब का मानना है कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशान तबका है वो नौजवान तबका है। क्योंकि ये बार बार आपने कांग्रेस के जबान से और हमारे लीडर राहुल गांधी जी के जबान से सुना है कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जो देश की संपत्ति है वो लिमिटेड कंपनीज को दे करके, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर भी पिछले तकरीबन 5-5.5 साल से जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां प्राइवेटाइजेशन का, जहां प्राइवेट नौकरी का संसाधन बहुत ही मिनिमम है, और इसलिए जो यहां पर स्कॉलर्स, जो डिग्री होल्डर्स, जो ग्रेजुएट्स जो यहां पैदा होते हैं, उनकी सबसे बड़ी नजर सरकार या सरकारी नौकरियों पर ही होती है। लगातार 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की कोलिशन सरकार यहां बैठी, आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे आप ढूंढ नहीं सकते हैं कहीं से भी कि कोई 4,000 या 5,000 पढ़े लिखे नौजवानों को इन 5 सालों में कोई सरकारी नौकरी मिली। और खासकर 2018, 2019 और 2020 जब से इलेक्टेड सरकार भी चली गई और लेफ्ट के गवर्नर उस वक्त के सतपाल मलिक साहब थे, बड़े बड़े लालीपाप दिए, 50,000 फास्ट ट्रैक नौकरियों का वादा किया यहाँ के नौजवानों के साथ। वो 50,000 कोई आउट ऑफ टर्न नहीं थे, वो 50,000 पिछले 5 सालों का बैकलॉग था। अगर हमारे यहाँ रियासत में रिटायरमेंट भी होती है, नई क्रिएशन भी होती है, अप्रोक्सीमेट 10,000 एम्प्लॉयमेंट हर साल इस रियासत में, छोटी सी रियासत में बनती है, और 5 साल का पैकेज जिसके माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पैकेजिंग करके 50,000 का उन्होंने स्लोगन दिया, और उस 50,000 का अगर आप आज के दिन तक देखेंगे आपको 2,500 लोग भी देखकर कोई सरकारी नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि
जिनकी आशाएं थी, जिनकी उम्मीदें थी, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, अगर आप शुरू करेंगे तो जेके बैंक के एम्प्लॉयमेंट से लेकर 1100-1200 नौकरियों का टेस्ट हो चुका था। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेने वाली जो आज की सरकार के अधीन काम करती है, उन्होंने टेस्ट लिए, लाखों लोगों ने उसमें टेस्ट लिया और बिना रिजल्ट देखे रिजल्ट सामने आया ही। और आज की इस सरकार ने तय कर दिया कि उसमें डाल दिए। हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि जब एक हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क में तमाम बैंकों की एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर पूरा करती है, अगर आपकी उसमें इंटरवेंशन नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि उस रिटन टेस्ट में कुछ खराबी हुई और आपने एक मुश्त उस एम्प्लॉयमेंट पैकेज को कैंसिल किया, उस टेस्ट को रद्द कर दिया और जिससे लाखों नौजवान जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए। उसी तरह से 2002 SRO इन्हीं की सरकार ने लागू किया जो टोटली इनह्यूमन SRO था, जिसमें नौजवानों के साथ इस्तेसाल की बात थी और जब उस पर नौजवान सड़कों पर उतर आए तो उसको उन्होंने रोल बैक किया अपोजिशन और आवाम के दबाव में। और रोल बैक करने के बाद अभी जो इन्होंने 2 साल पहले कुछ अनाउंसमेंट्स की थी, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की थी, अब उस एडवर्टाइजमेंट को भी ये रोल बैक कर रहे हैं, उसको भी कैंसिल किया है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है जम्मू कश्मीर में, जो उन्होंने यहां पर एक प्यारा कानून लाया डोमिसाइल, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वैसे भी कम नौकरियां यहां बनती थी, कम नौजवानों को नौकरी हासिल हो पाती थी, उस कम नौकरी में भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर के जो यहां पर रहने वाले उनको डोमिसाइल के जरिए से इस स्टेट में एंटर करके उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जिन बच्चों ने 2 साल पहले 1.5 साल पहले 1 साल पहले अप्लाई किया हुआ था उसको रद्द कर दिया और उसको अब नए सिरे से करेंगे। अगर 100 लोग पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के लगने थे, अब उसमें 50 लगेंगे, 40 लगेंगे, 60 लगेंगे, बाकी रिमेनिंग आउटसाइड स्टेट लगेंगे। तो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात देखेंगे तो जितना जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, इस वक्त परेशान है बीजेपी के मोदी जी के राज में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में और किसी प्रांत के नौजवान इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, क्योंकि और स्टेटों में प्राइवेटाइजेशन भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी है, बड़े बड़े कारखाने भी है, मगर जम्मू कश्मीर चूंकि एक सेंसिटिव, शायद उतना बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज लगाना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए यहाँ का नौजवान मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आज के दिन पर परेशान हाल है और जिसके लिए मैं मशहूर हूँ अपनी नेशनल लीडरशिप का, राहुल गांधी जी का और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों का और खुसूसन जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस, जिन्होंने लगातार इस रियासत के नौजवानों की जो भी कोई परेशानी दरपेश आई उसमें यूथ कांग्रेस ने अपने आप को पेश रखा, उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की, चाहे वक्त-फवक्त इनको अरेस्ट फेस करना पड़ा, हाउस अरेस्ट फेस करना पड़ा, धक्के खाने पड़े, लाठी खाने पड़े। मैं जाती तौर पर इस टीम का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने उन चीजों को हाईलाइट किया। आज जिस विषय के तहत में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको नेशनल आंकड़ा,
नेशनल लेवल की सारी बातें कृष्णा अल्वेरा जी आपको बताएंगे और हमको और आपके साथ इंटरेक्शन करने के और मौके भी आएंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इतने दूर से कई स्टेट्स का सफर, कई स्टेट्स में नौजवानों की बात उठाते उठाते आज हमारे जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कृष्णा जी का वेलकम करता हूँ और यूथ कांग्रेस को सराहना करता हूँ कि ये इसी सूत्रित के साथ पूरे स्टेट में नौजवान की आवाज बने रहे और वक्त आने पर जम्मू कश्मीर के नौजवान इस सारी नाकस पॉलिसियां चलाने वालों को बखूबी जवाब देंगे। इतना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के नौजवानों में है। थैंक यू।